विचार चल रहा था शक्ति ग्रह के बिना शब्द बोध कैसे होगा, क्योंकि शक्ति ग्रहण पूर्वकम लोक ही आप्तवाक्य स प्रामाण्यम दृष्टम। 21 पृष्ठ संख्या संस्कृत टीका की प्रथम प्रघटक में तीसरी पंक्ति चौथी, यतः शक्ति ग्रहण पूर्वकम लोके आप्तवाक्य से प्रामाण्य इष्टम। लोक में भी आप्तवाक्य की प्रामाण्यता तभी मानी जाती है जब आप शक्ति ग्रह कर लेते हैं। यदि आप्त पुरुष बोल रहा है लेकिन उसका अर्थ आपको ग्रहण ही नहीं हुआ क्योंकि इन शब्दों का शक्ति ग्रह नहीं हुई तो शब्दार्थ बोध होगा नहीं, फिर आप पुरुष का वाक्य भी आपके लिए व्यर्थ ही है। यही तो बड़ा विद्वान जो हुए खंडन खंडन का जो हर्ष मेषम, वो कहते कि भाई जब वो पहली बार सिद्धियों को प्राप्त किए चिंतामणि मंत्र का जप के पश्चात वो जो ग्रंथ लिखे कोई समझ ही नहीं पा रहा था, जहाँ जो बोलते हैं कोई समझता ही नहीं था, वो ऐसी उच्च संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा में भी इदानीन तरह नाम जन नाम प्रवृत्ति सुबंध तिगंत वाली बात हो गई ना, आपको एक कृदंत का ही प्रयोग करके पूरा वाक्य बोलने लग जाए कौन क्या समझेगा। आज का जैसा हाल वैसे उसमें और बुरा हालत हो गया था। तब क्या करते वो फिर सरस्वती से प्रार्थना किए मेरी बुद्धि को इतनी कुंठित कर दो ताकि मैं जो बोलूं और लिखूं दुनिया समझे। तो सरस्वती कही ऐसी एक ही रास्ता है, तुम्हारा बुद्धि तो अपने आप कुंठित करना चाहता है, ये तो मंत्र से सिद्ध हुआ बुद्धि है, इसको हम कुंठित नहीं कर सकते, तुम स्वयं कर सकते। कैसे? कहते माघ मास में गंगा जी में खड़ा हो जाओ सबेरे दही खा करके, और पूरे और ठंड में हाथ पानी में खड़े रहना, धीरे 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 बुद्धि मंद हो जाएगी। एक महीना पूरा रोज और दिन भर वहां सवेरे से शाम तक गंगा जी बैठ खड़े रहते थे, सवेरे दही पीना वहां बैठ खड़े रहना। ऐसे करण की बुद्धि इतनी मंद हुई तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उस मंद बुद्धि अवस्था में उसको आज पढ़ के कोई नहीं समझ पाता, खंडन खंडन करके। आज हम लोग बुद्धि कितनी मंद हो गई है ये सोच जब उसको पढ़ा रहा था तो विद्यार्थी बड़े परेशान होते, एक पॉइंट को चार चार बार बोलना पड़ता था फिर भी स्पष्ट नहीं होता था। मैंने आजकल के लोगों की बुद्धि उतनी मंद है और स्टिल हमसे बढ़िया बुद्धिमान कोई नहीं। पहले जमाने के लोग मूर्ख थे, कुछ नहीं थे, हम तो मॉडर्न हो गए। क्या बुद्धि कहाँ चली गई तेरी मॉडर्न बुद्धि? केवल भौतिक संसाधन आगे बढ़े, बुद्धि तो घटिया होती जा रही। इसलिए शक्ति ग्रह के बिना आप पुरुष भी बोल रहा होगा तो भी वो वाक्य हमारे लिए व्यर्थ ही है। इधर से वेद वाक्य में भी यदि शक्ति ग्रह ना हुई तो वेद वाक्य भी हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। शक्तिश्च लोक प्रसिद्ध गवादु गृहते, और शक्ति जो ग्रहण होता है लोक प्रसिद्ध पदार्थों में ही ग्रहण होता है। और आपका धर्म क्या है? अलौकिक है। धर्मस्य च अलौकिकत्वात् तत्र शक्ति ग्रहणम् न संभवति। और धर्म आपने खुद ही का अतीन्द्रिय है, अलौकिक है, तो उसमें शक्ति ग्रहण कौन कर सकता है? कोई कर नहीं सकता। शक्ति ग्रहण मंत्रेण च हुं फड़ादिवत् चोदना वाक्यस्यापि धर्म अबोधकत्वात् न तत्र प्रामाण्यम्। हुं फट बौषट श्रौषट ये सब शब्द है, इनके कोई अर्थ नहीं होते, अनर्थक निपात है, पाद की पूर्ति के लिए है, कहीं मंत्र मंत्र शेषत्व ने स्वीकृत है ये शब्द। हुम है, फट है, पौषट श्रौषट, ओही आहोही अहोही आ, बीज बीज मंत्र नहीं, नहीं बीज मंत्र में जो होता है वो अक्षर माला उपनिषद की आकार आगत को लेना, ये इसको नहीं। बीज मंत्रों में जो आते हैं वो अक्षर मालो उपनिषद एक है उपनिषद जिसे प्रत्येक अक्षर का अर्थ की गहराई को समझा दिया है और किस अक्षर को जपने से क्या फल मिलता है सवर्णन है। जैसे अम अ है बिंदु रख लो अम हो गया, ओम अम नमः इसका फल अलग है, ओम क्षम नमः असक्षा तक सारा लिया, एक एक करके वर्णन किया किस
अक्षर को बीज बना करके आप जाप करोगे तो आपको रोग दूर हो जाते हैं, किस बीज से विद्या प्राप्ति होती, किस सिद्धियां प्राप्त होते हैं, सारी चीजें आई हुई है अक्षर माला उपनिषद में। तो जहां आप इस तरह के अक्षरों को देखेंगे बीज मंत्रों में, वो निपात अक्षर नहीं, अनर्थक अक्षर नहीं, उनके अर्थ तो बहुत गहरा है। बीज मंत्र न्यूक्लियर बम के समान है, हाँ बहुत भयंकर है। यदि वो जागृत हो गए, और चिंतावनी मंत्र है क्या, बीज ही तो है। देवी बीजम प्रणवेन संपुटितम चिंतामणि, ये लिखा, देवी बीजम प्रणवेन संपुटितम चिंतामणि, ये चिंतामणि मंत्र है। अब देवी बीज क्या है, प्रणव तो सब जानते हैं, देवी बीज ह्रीम, ओम ह्रीम ओम, ये चिंतामणि मंत्र है। इसको जप किया था उन्होंने, और इसी का जप काशिकानंद जी ने की, इसी का एक बार अनुष्ठान हमने किया। हम वो 9 बार किसने करने को बोला, मैंने कहा एक ही बार में बोला, एक ही बार में इतना बैटरी चार्ज हो गया है, ये कठिन हो जाता है संभालना, और करने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा विधि है हमारे पास, पूरा लिखित है, हमने किया है इसको। लेना पड़ता है मुख से, लेना पड़ता है हमको भी, हम भी मुकाम्बिका देवी मंदिर गए इसीलिए कुल्लूर में, वहाँ के जो पुजारी हम लोग का कुल से भी संबंधित लोग हैं, तो उनके पास जाके उनसे हमने श्रवण किया। मैंने कहा किसने मेरे को कहा है, तो मैं करना चाहता हूँ, मेरे को विधि भी अधूरा ज्ञान है, आप विधि भी पूरा करो और हमें श्रवण करा दो मंत्र का। फिर सौपर्णी नदी है, वो सब 3:30 बजे पहुँचते हैं स्नान करना पुजारी जी, अब तो नहीं रहे बुजुर्ग, खत्म हो उनका बेटा भी, तो उन्होंने कहा कि तुम भी आ जाना 3:30 बजे, फिर तुम्हारा काम करेंगे। फिर पहले 2 दिन हमको पूरा लगा दे विधि लिखाने में, सब समझाने में सारा, फिर 3रे दिन हमको ले गए स्नान करा के, फिर वहाँ से मंदिर में लाए, मंदिर में बिठा के देवी के सामने श्रवण करा दिए। कहते आप सन्यासी हो, दीक्षा पद्धति नहीं हो सकती है, हम गृहस्थ सन्यासी को दीक्षा तो दे नहीं सकते, इसे देवी साक्षी है, हम आपको मंत्र सुना रहे हैं, इस तरह से हमको प्राप्त हुआ। इस तरह से किसी न किसी प्रक्रिया है जो विद्वान लोग जानते हैं, वो देते हैं, तो इसे तो सक्सेस भी होता है। तो इस तरह के चिंतामणि मंत्र जैसा है, वैसे जितने भी अभी बीज ही तो है, ओम ह्रीम ओम। और इस बीज की जो कथन चिंतामणि का विस्तृत रूपेण उन्होंने ही नैषधीय चरित्र में लिखा है, 16वें पर्व में आप देखेंगे पूरा इस बीज चिंतामणि मंत्र की व्याख्या है कथा के द्रोप में, देखने में कथा है और अभी विलक्षण कथा प्रेम प्रसंग का, लेकिन उसका पूरा अर्थ वास्तविक अर्थ उसका चिंतावन मंत्र की व्याख्या, ये हमको दिन से मैंने मीमांसा पढ़ रहा था, पट्टाभिराम शास्त्री जी उन्होंने बताया, फिर हर अष्टमी को इसलिए पाठ पढ़ते थे साहित्य विरोध केवल 16वां पर्व नैषधीय चरित्र। इस तरह से चीजें होते हैं कि शक्ति ग्रह किस तरह से कैसे हो वे, वो इंपॉर्टेंट है, नहीं होता तो फिर व्यर्थ हो जाता है वाक्य। सर धर्म जब अलौकिक है उस शक्ति ग्रह कैसे करें, जिसमें शक्ति ग्रह होता नहीं वो प्रमाणिक नहीं होगा, अतएव धर्म में कोई प्रमाण नहीं है। ये जो पूर्व पक्ष हुआ, यद्यपि तथापि, तब कहते न्यायिकों ने शक्ति ग्रह 8 प्रकार से होता है जब कहा था, उसमें एक प्रक्रिया बताते प्रसिद्ध पद सानिध्या, प्रसिद्ध पद सन्निधिता, ये शब्द प्रयोग था, प्रसिद्ध पद की सन्निधि से भी जिन शब्दों का शक्ति ग्रह में नहीं हुआ है उन शब्दों का शक्ति ग्रह कर सकते हैं। जैसे दृष्टांत देंगे, प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि मधुकर पिबती, प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि मधुकर पिबती, खिला हुआ कमल के पेट में बैठ करके मधु उन्हें शहद को पी रहा है कौन, मधुकर। कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति को मालूम नहीं मधुकर शब्द का अर्थ क्या है, मधुकर किसको कहते हैं। अब वो वाक्य को सुनता है, जब वो 3 शब्दों का जानता है, एक का नहीं जान रहा है, प्रभिन्न कमलोदरे इस शब्द का तो जानता है, खिला हुआ कमल का बीच में,
मधुनी शब्द को भी जानता है, मधु है शहद है कि नहीं, और पिबती मने पीना ये भी जानता है, तब समझ लेता है मधुकर इसका मतलब क्या हो सकता है। मधु का रंग मतलब भ्रमर। इस तरह से द्विरोफो रोती, द्विरेफो रोती किसने प्रयोग कर दी, आवाज आ रहा था उसको सुन करके द्विरेफो रोती, तो व्यक्ति शब्द तो सुन रहा है होना, उसे समझ लगे द्विरेफ का मतलब क्या भ्रमर, कि भ्रमर शब्द में दो रेफ है, भ्र में र है और अंत में भी र, भ्रमर दो रेफ है ना, इसलिए उसका नाम रख दिया द्विरेफ। तो इस तरह से शक्ति ग्रह प्रसिद्ध शब्द का सन्निधि से हम ग्रहण कर सकते हैं। उसी तरह से हम विधिवाक्यों में भी विद्यमान प्रसिद्ध शब्दों के द्वारा अप्रसिद्ध बुद्धा धर्म में भी शक्ति ग्रह कर सकते हैं। वही करे देखिए, इत्यत्र वाक्य यथा मधुकर पदस्य अर्थम अजानन तद अन्य पदार्थांश जानन, इस वाक्य में जो विद्यमान कहते हैं कि मधुकर पद के अर्थ को न जानता हुआ तद अन्य पदार्थांश उसे भिन्न पदार्थों का जान जानते हुए तद संविहारात उसके साथ साथ पठित होने से कमल मध्य गते मधुपानम कुर्वती दृश्यमाने भ्रमरे मधुकर शब्द संगतिम गृहित्वा, वो क्या करता है कि कमल के मध्य में बैठ करके मधुपान करता हुआ उस जंतु विशेष जो भ्रमर में मधुकर शब्द का संगति शक्ति ग्रह को ग्रहण कर लेता है और अर्थम प्रतिपदते अर्थ को बोध कर लेता है। तथा उसी पर यहां वेद में भी कार्यिरिया वृष्टि कामो यजेत, वृष्टि क्या है मालूम है, वृष्टि क्या है वर्षा, ये सबको मालूम है इत्यादि लोक प्रसिद्धार्थ वृष्टियादि पद संविहारा, लोक प्रसिद्धार्थ जो वृष्टि आदि के साथ पठित होने से अबोधगत्वात् अलौकिके अपि भावना पदार्थे, यजेता में जो विद्यमान भावना क्रिया सामान्यवाचक जो आख्यात है वह यद्यपि अलौकिक होने पर भी चोदनाया संगति गृहीत्वा विधि का संगति को ग्रहण करके चोदना वाक्यार्थम प्रतिपद्यते चोदना वाक्य का अर्थ को धर्म में प्रमाण रूपेण ग्रहण कर लेता है। इति धर्म बोधकत्वात् चोदनायाः धर्मे न अप्रामाण्यमस्ति, इसे धर्म का बोधक चोदना वाक्यों का होने के कारण धर्म में अप्रामाण्यता है ऐसा नहीं कहना, किंतु न अप्रामाण्य मतलब क्या, यत्र नैद्वयम् धार्ड्यार्थम् प्रामाण्यम् एव अस्ति, अप्रामाण्यता नहीं अर्थात क्या है अवश्यमेव ही प्रामाण्यता वहां पर, यह सिद्ध हो गया। और वह प्रामाण्यता स्वतः प्रामाणिक है क्योंकि मानांतर सापेक्ष जो होता है वह परत प्रामाण्य माना जाता है, और ये वेद के वाक्यों को स्वार्थ बोध कराने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं रहा, कहा था ना कल भी हमने अन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, अन्य लभ्य नहीं है अन्य सापेक्ष नहीं है, इसे सो क्या कहेंगे अनन्य लभ्य है, अतव ये स्वतः प्रमाण। अगला एक पंक्ति नीचे लिख रहे तस्माद अप्रामाण्य कारणयोर अबोधगत सापेक्षत्योर असंभवात, अप्रामाण्यता के कारण दो हैं, या तो वह अबोधक हो, शब्द आपने बोला उसका अर्थ बोध न हो तो वह शब्द क्या हो जाएगा अप्रामाणिक, या एक शब्द आपने कहा उसके अर्थ का निर्णय के अन्य की सापेक्षता रह जाए तो भी वो अप्रामाणिक है, अपने अर्थ में दूसरे की अपेक्षा कर लिया अतः दूसरा ही उस अर्थ प्रमाण है, स्वयं वह शब्द प्रमाण नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जब दूसरा की अपेक्षा नहीं करना यह भी प्रामाण्यता का हेतु बना, प्रामाण्यता में दो हेतु स्वतः बोधक हो जाए और दूसरे की अपेक्षा न रह जाए, अप्रामाण्यता में इसलिए दो हेतु कौन बनेगा अबोधकत्वम और सापेक्षत्व, इसलिए कहते हैं अप्रामाण्य कारण यो, अप्रामाण्य का कारण कौन अबोधकत्व सापेक्षत्व और असंभवात, वेद वाक्य में नहीं है, इसलिए चोदनाया सिद्धम स्वतः प्रामाण्यम धर्मे, इसलिए यह विधि वाक्यों का धर्म में स्वतः प्रामाण्यता सिद्ध हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि भाई इसलिए जो विधि वाक्य है
अबोधक नहीं है, ये प्रसिद्ध पद की सान्निधिता से बोध कराने सक्षम है, और उनके अपने स्वार्थ बोध कराने के लिए अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, इसलिए अबोधकत्व रूपा दोष भी नहीं है, सापेक्षत्व रूपा दोष भी नहीं है। जहां सापेक्षत्व रहेगा या अबोधकत्व रहेगा, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं या वाक्यों को अप्रामाणिक कहते हैं। यहाँ अबोधकत्व भी नहीं है, सापेक्षत्व भी नहीं है, अतएव वाक्य विधि वाक्य जितने भी क्या हो गए स्वतः प्रामाण्य हो गया। किसमें? धर्म में। फलस्य उद्देश्यत्व नाम मानसापेक्षी विषयत्वागार। अब आपने पढ़ा यजेतु स्वर्ग का, हमें स्वर्ग फल है ना, फल के अंदर उद्देश्यत्व जो हम मान रहे हैं किस आधार पर मानेंगे कि उद्देश्य हर व्यक्ति के अपनी अपनी इच्छाओं के मुताबिक अलग अलग होते जाते हैं। आपको मोक्ष उद्देश्य है और आपको अद्वैत वेदांत अनुसार स्वरूपानुभूति मोक्ष चाहते हैं, कोई स्वर्ग रूपी मोक्ष को चाह रहा है, कोई तो बस भगवान के चरण का एक रज बनना चाह रहा है, बस वही उसी में संतुष्ट है, वो सगुण में ही रहना चाहता है। कोई कहता है मेरे को जन्म देते रहना, मेरे को ना स्वर्ग भेजना कहीं नहीं, तुम्हारे चरण में भी नहीं आना चाहता मैं, मेरे को बार बार वृंदावन में जन्म दे दो कहता है। कोई कहते हैं बार मुझे अयोध्या में जन्म दे दो, वहां पत्थर भी बना दो, सरजू के अंदर मेरे को पत्थर बना दो। पर अब हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं अलग है, इसलिए किसी भी फल में जो उद्देश्य तो माना जाता है वह एक नित्य निश्चित कथन नहीं कर सकते आप, हर व्यक्ति से वो अलग अलग हो जाता है। इसलिए कहते हैं फल में जो उद्देश्य तो माने क्या होता है, वो मानसापेक्षी विषत्वाकार, उसी का प्रथम प्रकट के अंतिम पंक्ति, फलस्य उद्देश्यत्वम नाम मानसापेक्षी विषयत्वाकार। फल के अंदर उद्देश्यत्व नाम का चीज क्या है, मानस अपेक्षित एक विषयत्वाकार मात्र ही है, आपके मन की अपेक्षा का विषय, उसी को हम फलगत उद्देश्यत्व मानते हैं। हमारे मन चाहता है इस समय लड्डू चाहिए, तो लड्डू हमारा उद्देश्य हो गया, उसे उद्देश्यत्व आ जाएगा, और हम चाहने लगे स्वर्ग, तो स्वर्ग में हमारा उद्देश्यत्व आ जाएगा। आपके मन की अपेक्षा का जो विषय है उस विषय का ही नाम फलगत उद्देश्यता, वह विषय हो गया फल, उस फल में उद्देश्यता होना ही विषयत्वाकारता है, ये मानते हैं मीमांसक। अब उसी भावना को प्रतिपादन करते हुए उसके सामर्थ्य को याग के स्वर्ग साधन के प्रति दर्शाया, तथा से जित अंशत्वेदातु प्रत्यक्ष इत्यादि से अवभाव्यंशाभ्यम भाव नैव उच्यते, मूल में था ना अंत में भाव नैव उच्यते, भावना एव क्यों कह रहे, एव का किसका व्यावर्तन करना चाहते हैं आप, कि मीमांसकों का कहने का तात्पर्य होता वैयाकरणों के साथ, कि वैयाकरण लोग ही लकारादि का अर्थ का निर्णय करते हैं। लह कर्मणिच भावेच कर्म के व्यास सूत्र, लकार का अर्थ क्या है, लकार का अर्थ क्या है, सकर्मक धातुओं से और अकर्मक धातुओं से निर्णय लिया उन्होंने, नकार कर कर्तरी में होता है और कर्म में सकर्मक धातुओं से, अकर्मक धातुओं से कर्तरी और भाव अर्थ में होता है, अर्थात सर्वसामान्य रूप में सकल धातुओं से कर्तरी में तो ला ही सकते हो, इसे लकार का सर्वसामान्य अर्थ क्या है, कर्ता, ये करते। अब मीमांसा कहता है ये नहीं हो सकता, और नहीं है क्या कहते हैं, कर्ता से अर्थ क्या लेना, कृतिमान, कर्ता अनंत होने से शक्यतावच्छेद का अनंत हो जाएगा, इसे शक्यतावच्छेद लाघव करने के लिए कृति को लकार कर्त कर दो तो अवच्छेद क्या हो जाएगा, कृतित्व, और कृतित्व क्या है, जाति एक है, कृतित्वावच्छेद कृति ये लकार का अर्थ है, कृत्यवच्छेद कर्ता ये लकार का अर्थ मानना ठीक नहीं, यदि लकार का अर्थ कर्ता होगा तो उसका अवच्छेद क्या होगा, कृति, कर्ता की सुगत है, कृतिमान प्रयत्नवान क्रियावान, और कृति या प्रयत्न कितने हैं, अनंत है, इसलिए शकतावच्छेद का अनंत हो जाएगा, उस दोष से बचने के लिए नैयायिक ने कहा लकार का अर्थ कर दो कृति, तो उसका अवच्छेद क्या हो जाएगा, कृतित्व, और कृतित्व जाति है वो एक होगा,
लागा हो गया। इन दोनों की बात काटते हुए कहते मीमांसक, नहीं, लकार का अर्थ है न तो कर्ता न कृति किंतु भावना। क्यों? क्योंकि कहते आप ही कहते एक तरफ क्रियावाचकम आख्यातम सत्ताभिदायकम नाम क्रियावाचकम आख्यातम कह करके, और बाद में क्या आपने कहा लकार कर्त करता, फिर उस श्लोक में भी कहे ना सत्ताभिदायकम नाम कर्तृवाचकम आख्यातम, ऐसे क्यों नहीं बोलते हो? क्रियावाचकम क्यों कह रहे हैं? भाष्यकार के वचन को देखेंगे तो साफ होता है लकार का अर्थ कर्ता नहीं हो सकता, लकार का अर्थ क्रिया ही होगा, क्यों क्रियावाचकम आख्यातम है। और क्रिया ही यहां पर क्या करें, क्रिया विशेष में हम ले जाते हैं भावना। क्यों? क्योंकि वेद किसी पुरुष निर्मित नहीं है, अपौरुष है। विचार करेंगे भावनार्थ क्यों लेना पड़ा क्रिया सामान्य से हट करके, क्योंकि वेद का हमारे साथ संबंध हो, वेद का हमारे साथ संबंध चार प्रकार की हो सकती है, उन चारों प्रकार के संबंध का खंडन कर दिया कुमार भट्ट ने, असंभव है। अतः वेद में उन्होंने अपौरुषत्व सिद्ध किया। जब पुरुष रूपी प्रवर्तक नहीं रह गया, शब्द ही प्रवर्तक है ना हमारा, यजेत उपासित, ये जो विधि हैं ये प्रवर्तक हो रहे हैं, और ये शब्दात्मक प्रवर्तक है, शब्दात्मक प्रवर्तक है, और शब्द जो प्रवर्तना दे रही है हम सभी को, प्रेरणा दे रही है, वह प्रेरणा को हम पुरुष प्रेरित न होने के कारण से भावना सबसे कह रहे हैं। क्योंकि लोक में हम क्या देखते हैं, एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसका प्रवर्तक दूसरा कोई पुरुष ही होता है। गुरु कहता है शिष्य को जाओ जल ले आओ, गुरु रूपी प्रवर्तक से प्रेरित होकर के, प्रयोजक से प्रेरित होकर के प्रयोज्य भूता शिष्य जल आनन रूपी क्रिया को करता है, और हम ये क्रिया कर रहे हैं किससे प्रेरित होकर, कोई हमसे कह रहा है? यहां प्रवर्तक वेद ही है, शब्द है, इसलिए इसका नाम भी भावना कर देंगे हम शाब्दी भावना। और ये शाब्दी भावना जब हमें कारण और साध्य का संबंध बोध हो जाता है, तब इतिकर्तव्य भाव को संपादन करने के लिए आर्थी भावना होती है। यही उन्होंने यहां दिखाया था कल, सामान्य लकार के द्वारा आर्थी और लिंग के द्वारा शाब्दी भावना। उचित्र अगला पृष्ठ वहां है ना, देख लीजिए नीचे 22 पृष्ठ जो रेखा चित्र है उसको देखिएगा। यजेत यह क्रियापद है, धातु यजी है, प्रत्यय तिंग या तिंग में से त प्रत्यय पर आया हुआ है। यज धातु का अर्थ या धातर्थ कर्म विशेष है, और तिंग में दो भाग कर दिया आख्यात और लिंग, आख्यात से लिंग तिंग संपूर्ण को लिया जाएगा, जिससे बुद्धि है आर्थी भावना जो कि है करना रूपी अर्थ है, और लिंग विधि अर्थ में आया हुआ है, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रष्ट प्रार्थना ईश्वर लिंग सूत्र के द्वारा लाए वाले विधि अर्थ में यहां लिंग प्रत्यय आया हुआ है, और उससे बुद्ध शाब्दी भावना जिसका अर्थ है चाहिए। और यास्क मुनि भी इसी बात को कहते हैं, यास्क मुनि भुवादियो धातवा के आधार पर उन्होंने भी कहा क्रियावाचिनो भुवादियो धातु संज्ञास्यो, पाणिनि भी कह रहे हैं, यास्क का भी यही कहना है, धातर्थ क्रिया सामान्य का बोध करा देता है, लेकिन सकर्मक धातुओं का अर्थ के लिए भाष्यकार ने कहा नहीं नहीं वो केवल क्रिया सामान्य का बोध नहीं हो सकते, फल व्यापारौ धात्वर्थौ, महाभाष्यकार का वचन, फल व्यापारौ धात्वर्थौ, धातु का केवल व्यापार क्रिया अर्थ नहीं लेना किंतु फल भी है, नहीं तो सकर्मक धातुओं में लक्षण नहीं जाएगा।
केवल क्रियावत्तम कहने से नहीं चलेगा, धातु का अर्थ है। इसे केवल क्रियावत्तम लीजिए, आप आख्या प्रतिंग में लीजिए, लेकिन धातु में तो फल और व्यापार दोनों लेना पड़ेगा। यदि हम लोग कहते क्रियावाचन उपवादे दत् संज्ञास, लेकिन वह छिपा है फल सकर्मक धातुओं में। अकर्मक धातुओं में फल तो कर्त्र में ही रह जाता है, पृथक नहीं रह जाता। सकर्मक और अकर्मक में क्या है भेद? यानी फल नहीं है ऐसी बात नहीं, फल तो दोनों में। जैसे राम शेत है अकर्मक धातु है, राम शेत है, राम सो रहा है। जो सोने का फल है सुख किसको मिल रहा है? राम को ही मिलता है। कर्तनिष्ठश्चित फल व्यापार उभवपि तदा अकर्मक, भिन्निष्ठश्चित तदा सकर्मक। देवदत्ता ओदनम पचति, पचति क्रिया है। इस क्रिया में देखिए क्रिया का कर्तृत्व क्रिया जो है कहाँ है? देवदत्त में, और फल ओदन में। पका कौन? देवदत्त नहीं पका, चावल पक गए। से कर्ता में क्रिया है, क्रिया जनि फल ओदन में चला गया। ये सकर्मक धातु है, पच धातु। कर्ता राम है, सोने का फल भी राम को मिला, राम शेते में वह कर्मक धातु। सीधे सीधे अर्थ हम समझा, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं व्याकरण का, तक यहां समझ में आ जाए, सुविधा हो। तो इसीलिए निष्कर्ष निकलता है कि हर एक धातु में क्रिया तो रहेगी, चाहे सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो। और क्रियावान कर्ता को लोगे या क्रिया का कारण कृति को लो, ये तो गौरव काम हो जाएगा, जो न्यायिकों ने और व्याकरणों ने लिया है। कर्ता सिद्ध लह कर्मणी च बावे च कर्म, कर्तरी से कर्तरी का अनुवृत्ति हो गया, उसे कर्तरी अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन कर्तरी में से वहां पर कर्ता अर्थ लक्षित नहीं है, कर्ता से उपलक्षित है वहां क्रिया। क्रिया अर्थ में ही लकार होता है, न कर्ता अर्थ में न कृति अर्थ में। उस क्रिया को यहां पर हम कह रहे हैं भावना, व्यापार को या क्रिया को भावना का। अच्छा, अब अगले खंडलिका में जाइए, भावना विचार है। भावना नाम भवितुर्भवनानुकूलो भावितुर्व्यापार विशेष साच द्विधा शाब्दी भावना आर्थी भावना च इति। भावना नाम भावना का लक्षण करते हैं, जब आप दोनों अंशों के द्वारा भावना का ही बोध हो रहा है, कुल मिलाकर के याग करना चाहिए, यागम यागेन स्वर्गम भावेत, ये अर्थ निकला था ना, यागेन स्वर्गम भावेत, ये जो अर्थ आपने निकाला इसका पूरा आधार भावना है। तो पहले भावना का लक्षण बता रहे हैं, भवितुर्भवनानुकूलो भावितुर्व्यापार विशेष भावना। भवितु हो उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति के अनुकूल, भवितु हो भवनानुकूल, भवितु में उत्पन्न होने वाले के भवन होने के अनुकूल जो भावयिता का व्यापार है, जो प्रेरक का व्यापार है, उस व्यापार का नाम भावना। यह पहले आप लोक में घटाइए, भवितु भवनानुकूल जल आने रूपा कार्य होना है, उस जल आने रूपा कार्य होने के अनुकूल जो गुरु अथवा यज्ञदत्त आदि जो प्रयोजक हैं प्रेरक हैं उनमें जो व्यापार है उस व्यापार का नाम भावना है, करने वाले का व्यापार नहीं। यज्ञदत्त ने देवदत्त को कहा कि जल ला, लाएगा कौन? देवदत्त। लेकिन देवदत्त में जो व्यापार हो रहा है उसका नाम भावना नहीं है, देवदत्त में होता हुआ जो व्यापार के अनुकूल जो व्यापार हुई है किसमें? यज्ञदत्त में, उसका नाम भावना। भावयिता भविता हो गया यज्ञदत्त, उसके अंदर होने के हो रहा है कि आने रूपा क्रिया, उसके अनुकूल व्यापार किसने करा था? यज्ञदत्त ने कहा था जाओ लिया। तो यज्ञदत्त में जो व्यापार विशेष है उसी का नाम भावना है। इसी तरह से यज्ञ रूपी क्रिया का कर्ता कौन है? हम लोग है ना, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, कर्मकांड करते हैं, वन जप तप संध्या वगैरह कर रहे हैं,
हम लोगों में होता हुआ इस क्रिया के होने के अनुकूल व्यापार किसने करा था? वेद के शब्दों ने, अर हर संध्या उपासित, उस शब्द के, वो शब्द ने हमको प्रेरणा दिया, तभी हम संध्या वंदन कर रहे हैं ना। इसलिए यहां भावहिता कौन होगा? वो वैदिक विधि वाक्य, भावहिता वैदिक विधि वाक्य है, भविता हम लोग है, और हम लोगों से होता है याग आदि क्रियाएं हैं। तो भवितुः भवनानुकूल भावेतर व्यापार विशेष, उसका नाम भावना है। देखिए प्रयोजक व्यापारत्वादेव निजंतेन, इसका नाम भावना क्यों रखा, निजंत क्यों कहा है? कहते इसलिए क्योंकि है तो निजंत भावयिता का व्यापार है ना, भावयिता का व्यापार होने के कारण से भावना शब्द कह दिया। ये तो भवनम बोल सकते थे, शुद्धा तो प्रयोग करो, ने भू धातु से निचलाया, भावी धातु बना करके लुट प्रत्यय किया, भावना अस्तित्व कक्षा में ताप हुई भावना, निजंत प्रयोग कर रहे हैं एक ज्ञापन करने के लिए। ये करने वाले का अपना व्यापार नहीं है, कराने वाले का व्यापार को लेना है, इसे नाम ही निजंत लिया भावना। टीका की तीसरी दूसरी पंक्ति में देखिए, प्रयोजक व्यापारत्वादेव निजंतेन भावना शब्देन उच्यते, यह प्रयोजक का व्यापार होने के नाते हम लोगों ने, मीमांसकों ने यहां निजंत जो भावना शब्द है उसके द्वारा उस व्यापार को बोध करा रहे हैं। घटाविर यथा उत्पद्यमानस्य भवितु, उत्पद्यमानस्य किम ओदनस्य, उत्पद्यमान वस्तु कौन है? भात। उसकी उत्पत्ति अनुकूल, भवनानुकूल माने उत्पत्ति अनुकूल देवदत्तस्य व्यापार विशेष, देवदत्त का जो व्यापार विशेष है वो भावना है। देवदत्त क्या करता है? वो लकड़ी को इधर उधर करता है, थोड़ा है ना आगे पीछे करता है, बीच बीच में कर्सी चलाता है बैठ न जाए, ये सब जो कर रहा है ताकि वो चावल को ठीक से पकने के लिए प्रेरणा दे रहा है। नीचे का नीचे बैठा रहेगा तो फिर जल जाएगा नीचे का, वो घुमाता है तो ऊपर लाता है, ऊपर वाले को नीचे भेजता है, अरे तुम भी जाओ नीचे, तुम भी पको नीचे, नहीं घुमाना पड़ता है। आप लोग भोजन पकाते हो तो देखे हो ना, करना पड़ता है। और आजकल तो कुकर है, वो कुकर प्रेशर से घुमा देता है सबको अंदर प्रेशर ऐसे बनता है ना, अपने आप घूम जाता है। तो कहने का मतलब वो प्रेरणा देना पड़ता है। अब देवदत्त बर्तन और उसमें जो अग्नि उसमें विद्यमान पदार्थ सबको संभालता हुआ प्रेरणा दे रहा है उन भातों को पकाने के लिए, और उस देवदत्त को प्रेरणा दे दूसरा देता है तो उसका व्यापार को हम भावना कहेंगे, देवदत्त के व्यापार को भावना नहीं कहेंगे। अब ओदन में होता हुआ व्यापार के दृष्टिकोण में उसे प्रेरणा देने वाला देवदत्त जो है उसका व्यापार को भावना कहा जाएगा। यथाच और एक दृष्टांत दे रहे हैं, उत्पद्य मानाया देवदत्त प्रवृत्ति है, देवदत्त माल प्रवृत्ति हुआ उसके अनुकूल प्रवर्तकस्य चैत्रस्य अभिप्राय विशेष, ये तो अकेला कर रहा है तब भी ले लिया एक दृष्टांत, देवदत्त भोजन पका रहा है पहला ये दृष्टांत लिया, उसे भोजन पक रहा है उसके पकने के अनुकूल जो लकड़ी वगैरह संभालना वगैरह जो कभी आप गैस में हाई कर देते कभी सिम करना पड़ता है, नहीं तो सर जल जाएगा ना, वो बढ़ाते घटाते करते संभालते रहते उसको, तो जो भी इस तरह का क्रिया है ये क्या हो गया होने के अनुकूल पकने के अनुकूल क्रिया, उसका प्रेरक है देवदत्त, देवदत्ता ओदनम पचति में। और यदि हम कहते हैं यज्ञ दत्ता देवदत्तम पाचयति, यज्ञ दत्ता देवदत्तम पाचयति, निजंत में दोनों कर्म हो जाते हैं, यज्ञ दत्ता देवदत्तम ओदनम पाचयति, अर्थात यज्ञ दत्ता देवदत्तेन ओदनम पाचयति अर्थ हो जाता है। वह द्विकर्मक योग में पुनः पच धातु द्विकर्मक धातु है, ये दोनों ही कर्म संज्ञा हो जाते, देवदत्त को भी कर्म संज्ञा होता है, अकथित सूत्र है। तो यज्ञ दत्त मुख्य प्रेरक हो गया, उसने देवदत्त को प्रेरणा दिया तुम जाओ भाई भात पकाओ, तब देवदत्त जाकर के कर रहा है, यहां पर प्रेरक कौन है? देवदत्त नहीं यज्ञ दत्त है, इसलिए या चैत्र दृष्टांत चलो देवदत्त प्रवृत्ति है उत्पत्ति अनुकूल प्रवर्तकस्य चैत्रस्य अभिप्राय विशेष, चैत्र का जो अभिप्राय विशेष उसी का नाम भावना।
अब वैदिक दृष्टांत में आ रहे, दो लौकिक दृष्टांत दिए, अब वैदिक दृष्टांत यथावा यजेत स्वर्ग काम इत्यत्र। अब थोड़ा इससे पहले ध्यान दो, दो लौकिक दृष्टांत में भवितुर्भवनानुकूल पहला दृष्टांत में जड़ है, ओदन पक रहा है, ओदन के पकने की अनुकूल व्यापार किया देवदत्त ने, उस देवदत्त के व्यापार को आपने भावना कहा है कि नहीं, प्रेरक हो गया देवदत्त, प्रयोजक कौन है वहां, ओदन जड़ है, चेतन प्रेरक जड़ प्रयोज्य पहला दृष्टांत। दूसरा में प्रेरक भी चेतन है, प्रयोज्य भी चेतन है, चैत्र प्रेरक हो गया प्रयोजक और प्रयोज्य है आपका देवदत्त। जान के दृष्टांत दे रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखें तो अगले पंक्तियां समझ में आ जाती है। यथा वह अजित स्वर्ग काम इत्यत्र उत्पद्यमान से धात्वर्थ स्वर्गस्य व उत्पत्ति अनुकूल, इसलिए दोनों इकट्ठा ले ले, शाब्दी भावना और आर्थिक भावना दोनों इकट्ठा लेके घटा रहे हैं, हम दोनों को आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा तो सुविधा हो जाएगा कि उसके बिना भवितु भवनानुकूल भावना भावयिता तीनों हिस्सा शाब्दी भावना ने क्या है, शाब्दी भावना और आर्थी भावना लक्षण का तीनों हिस्सा को अलग अलग लिखता हूं, भवितु भवनानुकूल और भावयिता, ठीक तीन हिस्सा है। शाब्दी भावना में भवितु पुरुष है, हम लोग हैं जो यज्ञ आदि कर्मकांड करने वाले और हमारे द्वारा होने वाले यज्ञ क्रियाओं के अनुकूल उसको कराने वाले के अनुकूल कौन है, विधि वाक्य करा रहे हैं हमसे, और विधि वाक्य में रहने वाला जो लिंग है वो हमारा प्रयोजक। आर्थिक भावना में स्वर्ग है भवितु, उसके होने के अनुकूल हो रहा है याग, उसका याग का प्रवर्तक हो रहा है पुरुष। देखिए टीका में अभी यजे स्वर्गाम उत्पद्यमान से धात्वर्थ स्वर्गस्य, उत्पद्यमान वस्तु कौन है, धात्वर्थ अथवा स्वर्ग, स्वर्गस्य वा धात्वर्थस्य यागस्य अथवा स्वर्गस्य वा, अर्थ स्वर्ग को ले लिया, धात्वर्थ याग को ले लिया। यहां पर क्योंकि विधिवाक्य से भवनानुकूल कौन, याग है, पुरुष क्या कर रहा है, याग कर रहा है, और याग करो करना चाहिए ऐसे कौन बोला, लिंग ने, चाहिए लिंग में बोला होता ना, याग करना चाहिए, इसलिए याग होने के अनुकूल हमें प्रेरणा देने वाला शब्द कौन हुआ, लिंग, जो चाहिए बोलता है, और स्वर्ग के होने के अनुकूल का क्रिया हो रही है याग, उस याग को कौन कर रहा है, याग का संपादन के लिए प्रेरक कौन बन रहा है, पुरुष, इसे धात्वर्थ और स्वर्ग दोनों में से कोई भी चीज को आप ले सकते हैं भवनानुकूल शब्द से, या इसलिए विधि बात के लिए ना धात्वर्थ को ले लेंगे, यहां भी धात्वर्थ कौन है, यहां याग आदि ही, और लिंग अलग कर देंगे हम, विधि वाक्य में यही तरह है ना, यजेत विधि वाक्य, यजेत या विधि वाक्य कर्ण से यज ले लिया तो लिंग वहां ले लिया, उसके अनुकूल स्वर्गस्य व उत्पत्ति अनुकूल स्वर्ग काम से व्यापार, स्वर्ग काम पुरुष का जो व्यापार है, उत्पद्यमानयाश्च स्वर्ग काम प्रवृत्ते, और उत्पन्न होता हुआ बस या क्रिया दृष्टिकोण से देखते हैं पुरुष के अंदर जो प्रवृत्ति हो रही है उसका प्रवर्तक कौन है, अनुकूलो लिंगो व्यापार विशेष, आर्थिक भावना में पुरुष का व्यापार विशेष से याग संपन्न होकर के स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और ये कारण है, ये क्या है कारण, ये होता है पहले तब यह कार्य सिद्ध होता है, ये कारण कोटि है, शाब्दी भावना आर्थिक भावना कार्य कोटि के अंतर्गत है। भावयिता ये तो है लिंग और पुरुष, और क्या लिखा है, वही तो लिंग आ गया ना, लिंग क्या है फिर, वेद के विधि वाक्य तो धात्वर्थ याग अलग कर दिया,
यजेता का यज को अलग कर दिया, तक को अलग कर दिया ना। ये तो वेद के अनुसार पूरा हम घटा रहे, लोक के अनुसार हम घटा ही नहीं रहे यहाँ। ये वाक्य पूरा वैदिक वाक्य के लिए आया हुआ है यहाँ टीका में। अब इसको लोक में भी लेना चाहे तो लिंग नहीं लेंगे, फिर वो पुरुष निष्ठ हो जाता है। वहां लिंग के जरूर वहां भी पुरुष लिखना पड़ेगा, दोनों पुरुष कर रहे हैं। आरती शादी भावन हुई यज्ञ रूपी पुरुष से, और इसको संपादन कौन किया? आरती भावन चैत्र ने किया। वहां यज्ञ हो गया, यहाँ चैत्र हो जाएगा, बस इतना ही अंतर। ये लौकिक दृष्टांत में, वैदिक दृष्टांत में हमेशा शाब्दी भाव ने भावयिता लिंग ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। शाब्दी भावना का भावयिता लिंग ही होगा वैदिक वाक्य में, और हमेशा जो यजमान होता है कर्म करने वाला, वो आर्थिक भावना में भावयिता बनता है। ये ध्यान रखना वेद में, लिंग भावयिता शाब्दी भावना में, और यजमान जो करता है कर्मकांड का वो कौन हो गया? आरती भावना में भावयिता।